शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इसके साथ कर्नल अजय जी, हमने जीरे में भी कुछ यहाँ पे बढ़त बनते हुए देखी है, निचले स्तर से जीरे में भी कुछ खरीदारी लौटी है। क्या मान लिया जाए कि अब जीरे के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, जीरा लगातार तेजी की ओर ही जाएगा या फिर यहाँ से तेजी के बाद जीरे में मुनाफा वसूली भी जरूर बनेगी? देखिए, जीरे के अंदर भी कमोबेश जो मसाला पैच है, आपको याद होगा कि हमने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान इसी चैनल पे कहा था कि ये साल मसाले के लिए शुद्ध रह सकता है, अच्छा रह सकता है, क्योंकि फसलें ना काफी साबित हो सकती हैं, डिमांड लगातार बढ़ सकती है, निर्यात यानी एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी प्रचुर मात्रा में मिल सकते हैं। और वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है लाल मिर्च में। आप देख लीजिए कि लगातार बहुत बड़ी तेजी बनी, धनिया जीरे के अंदर भी अभी 2 से 2.5 महीने पहले जो 6500 रुपए कुछ नहीं रहा था, आज 10,000 के ऊपर चल रहा है। जीरे के अंदर भी 13,000 से 14,000 पे कोई बात नहीं सुन रहा था, 15,000 पे आज देखिए 21,000 के ऊपर जो ट्रेड हो रहा है। तो लाल मिर्च के अंदर भी तेजा, और जो 80-90 रुपए के भाव की थी आज 150 से 200 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही है। तो ये सब जो कमोडिटी सुपर साइकिल का कमाल है, क्योंकि गौरतलब है कि जब शेयर बाजार या बाकी बाजारों के अंदर स्थिरता आती है तो उसका इंपैक्ट आप कमोडिटी बाजार में देख सकते हैं, और कमोडिटी का जो साइकिल है वो एक शानदार साइकिल के रूप में उभर रहा है। और चाहे वो कॉटन हो, चाहे आप सोयाबीन हो, चाहे आप मसाले देख लीजिए या खा, ये सब उसी का हिस्सा है, या मेटल्स के अंदर आप स्टील देख लीजिए, निकल देख लीजिए, कॉपर देख लीजिए, ये सब शानदार है, तो इसके अंदर मौका मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम तो, लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखिए कि जीरे के अंदर आज तेजी बन सकती है। जीरे के एक और मैं आपके आपको खुलासा कर रहा हूँ, जीरे के अंदर ऊपरी स्तरों के ऊपर एक बार बहुत जबरदस्त झटका भी लगेगा, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि जो लेबल्स आ रहे हैं और वो झटका कब लगेगा धनिया और जीरे के अंदर, उसका खुलासा हम आगे आने वाले शो में करेंगे। तो आप हमारा शो बिल्कुल मिस मत करिए जो 11 बजे के लगभग मार्केट टाइम्स के ऊपर लाइव प्रसारित होता है। तो दर्शक बंधु, वो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि मसाले पैक के ऊपर हम आने वाले 2-3 शो के अंदर कुछ ऐसे अद्भुत आगे की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। गौरतलब है कि हमने सबसे पहले आपको कॉटन में तेजी की बात कही थी, सबसे पहले सोयाबीन में तेजी की बात कही थी, सबसे पहले ये आवाज उठाई थी कि एमआरपी और एमएसपी का आपस में संबंध होना चाहिए, ये भी आवाज उठाई थी कि एमआरपी का भी एक विश्लेषण होना चाहिए कि जब बाजारों के अंदर भाव घटते हैं तो एमआरपी भी उसी प्रपोर्शनेट में घटनी चाहिए। ये मार्केट टाइम टीवी के माध्यम से अपनी आवाज उठाई थी उसमें, और उसके बाद सरकार ने भी कुछ इसमें कदम उठाए थे कि ना एमआरपी को भी कहा गया था कि आप इसको मिनिमाइज करें जैसे देखते हैं उसके साथ में होना चाहिए। तो दोस्तों, इस मार्केट एंड टीवी के माध्यम से हम आपको वो चीज बताते हैं, वो चीज आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जो कि किसानों के लिए हितकारी हो, छोटे कारोबारियों के लिए हितकारी हो, ये सिर्फ बड़े और बड़े कारोबारियों के लिए हितकारी नहीं हो, अभी तो पूरे कारोबारी जगत के लिए हितकारी हो, चाहे वो गवार कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आप मसाला पैक हो, चाहे कॉटन कॉम्प्लेक्स हो, चाहे तिलन हो, चाहे दलहन हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहां तेजी होगी याद रखिए वहां मंदी अवश्य आएगी, और जहां मंदी है वहां पे तेजी अवश्य आएगी। हर रात के बाद दिन है, हर दिन के बाद रात है, और हर सांस लेनी भी पड़ेगी, छोड़नी भी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेट आज तक नहीं हुआ है। लेकिन टाइमली यदि आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, टाइमली आप खरीद लेते हैं, मंदी में खरीद लेते हैं, तेजी में बुक कर लेते हैं, तो आपका कारोबार शांति से और शानदार चलेगा। लेकिन तेजी में और तेजी करेंगे और मंदी के अंदर और मंदी करेंगे तो आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये अखिलेश जी। जी कनर जी, फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।